करना पड़ता है। जो मेण काटता है उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है? जो भैया के हक को मार लेता है उसे कौन से नरक में जाता है? जो नारी माँ बेटे को दूर करती है, न्यारे करने की ज़्यादा जिद करती है, उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है? जो एक कोख से जन्मे हुए भैया भैया को अलग करने की कोशिश करती है, जो नारी, उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है? जो नारी अपने पति को धोखा देकर माता पिता की आंखों में धूल झोंक करके अपने शारीरिक संबंध कहीं दूसरी जगह बनाती है, उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है? इन सारे नरकों का वर्णन इस हमारे पांचवें स्कंद के अंतिम चरण में हुआ। अब समस्या ये है कि मैं सारे नरकों का वर्णन करूं तो अभी जो है हृदय में बहुत बड़ी घबराहट हो जाएगी, क्योंकि दूध का धुला हुआ होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई न कोई गलती किसी न किसी से हो ही जाती है, क्योंकि इन नरकों की जो समय सीमा है ना वो बहुत ज़्यादा है, और शास्त्र झूठा तो हो नहीं सकता। पतिवंचक पर पतिरति कर। मैं एक बात बता रहा हूँ, सब बातों में से लेकर के एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ घंटों में, मिनटों में और दिनों में गिनती होती है ना, ऐसे ऊपर के जो लोक हैं और जो नीचे के लोक हैं वहाँ घंटों से काम नहीं चलता, दिनों से काम नहीं चलता, वहाँ सीधे कल्पों से बात काम होता है, कल्पों से। जैसे जो धर्म कांटा होता है ना, बापे सोनो तोलो जा सकता नहीं, तोला जा सकता, या सोने की जो तराजू होती है बापे आलू बैंगन तोले जा सकता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है, हैं? वो बहुत छोटी चीज है और वो बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे ही हमारे दिना और वहां के दिनों में बहुत बड़ा अंतर है। या जब ही तो कहते हैं लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई। लम्हों में जो कोई नारी अपने पति को और माता पिता को धोखा दे करके, बच्ची है तो माता पिता को धोखा दे के संबंध बनाएगी, और पत्नी है तो पति को धोखा दे करके संबंध बनाएगी, तो उसके बारे में कहा रौरव नरक कल्प शत। शत माने होता सात। रौरव नरक कल्प शत परई, सौ कल्प तक उसे रौरव नरक में, जो मवाद होता है ना फोड़े का, वैसी तो वहां नदी होती है मवाद की, और उसमें डुबाया जाता है, और उसमें जो है बिच्छू से भी खतरनाक कीड़े होते हैं जिनका नाम होता है रूरू। क्या नाम होता है? रूरू। उस रूरू नाम के कीड़े जहां पे हैं उस नरक का नाम है रौरव, रूरू से बना रौरव। तो उसमें एक आध साल नहीं, दो चार साल नहीं, दस बीस सौ पांच सौ साल नहीं, रौरव नरक कल्पशत पर पतिवंचक पर पतिरति कर। अच्छा, छोटा मोटा जो दंड है वो तो भूलोक में ही मिल जाता है, लेकिन जैसे हमारे जलेसर में या आमलखेड़ा में बहुत ज़्यादा बड़ी डॉक्टर की सुविधा नहीं है ना, छोटे मोटे इलाज तो यहाँ हो जाएंगे, लेकिन बड़ी परेशानी हो जाए तो आगरा, मौनी बात बने तो दिल्ली, है ना। तो ऐसे ही छोटे मोटे पापों के जो दंड हैं वो तो मृत्युलोक के मृत्युलोक में ही मिल जाते हैं, लेकिन जब बात बड़े की आती है तो यहाँ वो सुविधा नहीं है, उसके लिए फिर ऊपर भेजना पड़ता है। अच्छा, फिर ऊपर जब भेज करके जैसे कोई रेफर कर दिया दिल्ली, अब दिल्ली से फिर छोटे मोटे बात रह जाती है ना, तो कहते घर ले जाओ, जा इंजेक्शन है, आठ दिन बाद मई के का डॉक्टर पे लगवा लेना। तो छोटे मोटे के लिए वहां नहीं रहा जाता। ऐसे ही नरकों में बड़े पाप की भोगने की सुविधा है, बड़े पाप का जो कर्म होता है,
छोटे पापों का कर्मों का फल तो यहीं भोग लिया जाता है। जैसे कोई बड़ा पापी जो है बहुत बड़ा कर्जा लेके, जैसे अभी बहुत से हमारे भारत के लोग विदेशों में पड़े हुए ना घोटाले कर करके, लाखों के नहीं करोड़ों के नहीं, हाँ हजारों करोड़ों के घोटाले पर क्या, वो तो भाई मस्त है। लेकिन इस सिद्धांत में, परमात्मा के सिद्धांत में एक एक पाई को चुकाना पड़ेगा, एक एक पाई को चुकाना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी का कर्जा खा के मर गया, और ज्यादा कर्जा है तो ऊपर के जो लोग हैं उनमें फल भोगना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत रह जाओ तो फिर उसका जब जन्म होगा भूलोक में तो मनुष्य के रूप में नहीं होगा, तो या तो ऊंट के रूप में, या भैंसा के रूप में, या तांगे के टट्टू के रूप में है उसका जन्म होगा। और वह तांगे में वो तब तक चलेगा जब तक बाकी पाई पाई बोलो भैया चुक नहीं जावेगी है। मेरे तो जो है ना बगल में मेरे कुरसंडा गांव है, सादाबाद से कुरसंडा तक तांगे चलते हैं, अब तो पता ना चलते हैं कि ना चलते ही, पहले सादाबाद कुरसंडा, सादाबाद कुर तांगे चलते हैं। उन तांगे न में मैंने बिन घोड़न की जे हालत देखी, कीड़ा पड़ रहे हैं, मक्की बिन बिना रही हैं, हैं? लेकिन तब बात चल लो तो है, कभी कभी सवारी ज्यादा है जाती तो घोड़ा ऊपर टंगो है, फिर तुरंत वाने पीछे तो कूदो 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 कूदो, पीछे से कूदे तब जाके घोड़ा नीचे आयो वो खच्चर है। अब न मर सकता है जब तक चुक नहीं जाएंगे है, जादना पैसा चुक जाएंगे बैदना बाको छुटकारो है जागो। बाजनम में सोच रो है खुश चूना लगायो देवेंद्र, मैंने तो है 5 लाख का चूना लगा के मौज आ गई। लेकिन जब घोड़ा बनो तो रोज माने जब 1000 रुपया कमा के दे है, 500 कमा के दे है, तो कई जन्मों में वो चुका पाया तब जाके मुक्त होगा, तब उसे दोबारा इंसान का जन्म मिलेगा है। तो भैया भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। हम बड़े खुश होते हैं कभी कोई मैं चूना लगा दो है, आए मेरे फलाने बताओ इतने रुपया तो चूना लगा दो। अरे चूना तूने नहीं लगाया, चूना तो तुझे लग गया है, बस वक्त समझ जिस दिन आएगी उस दिन पता चलेगा है। तो भैया नरकों का मैं ज्यादा वर्णन इसलिए नहीं कर रहा, शॉर्टकट में इतना समझा रहा हूं, सिद्धांत कभी किसी को छूट नहीं देता है। वो कर्म का फल तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों भोगना ही पड़ेगा, अपनी ओर से नहीं कह रहा, वेदांत का सिद्धांत कहता है अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम छियते कर्म कल्प कोट शतैरपि। सुख और दुख ये दोनों हमें कर्म के आधार पर भोगने पड़ेंगे, वहां कोई ग्रेस नहीं मिलता, वहां कृपा नहीं मिलती है कर्म के सिद्धांत में। अच्छा एक बात बताओ, हम जितने यहां बैठे कहा किसी को भी दुख भोगने की इच्छा होती है क्या, बोलो नारे लाओ। लेकिन क्या भोगना नहीं पड़ता, न चाहते हुए भी 1000 उपाय करने पे हैं, जो पत्नी पल्ले पड़ गई है बाकी द्वारा जो दुख मिलनो है वो न चाहते हुए भी 1000 उपाय करने पर भी भोगना पड़ता है कि नहीं है। तो जब दुख न चाहते हुए भी भोगना पड़ता है, ऐसे ही सुख भी यदि कर्म किए हैं तो भले ही न चाहो वह भी हमें भोगना पड़ेगा। अब आजकल ये लोग क्या करते बताए, अपना बाप मरेगा तो सबसे पहले बाकी कार्ड में लिखाई जाएगी कि दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे भैंस के ताऊ है, त्यो बाप ने इतने अच्छे कर्म करे तो स्वर्ग चलेगा होगा, नहीं भाई कर्मन तो देख एक ऐसी मेड़ ना छोड़ी जो काटी नहीं हो, दगरो तो मेड़ बना दो और बा को छोरा लिख रहो मेरे पिताजी का, और जब तेरे बाप स्वर्ग में जाओगे जी महात्मा नरक में जाएंगे है। जब त्यो बाप इतना मेड़ काटी बाने दगरे काट डारे छील छील के छील छील के, और मेड़ को श्याप बना दो जो जितना मौका मिलो बित्ते घुस गो है,
मेंढक को सांप बना दो और बा को छोरा लिख रो मेरे पिताजी का, असम्य की बात है। एक आदमी तो ऐसा मासाव रहे जय क्षेत्र को बाको बाप मरे हो तो अंजलि करो मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया और मेरे परिचित में रहे। बाने चुनाव के दौरान करेट की करेट खाली कर दी पी गो और जन कितनी घर में दबका के धल नहीं भाई मिलती के लिए मोहल्ला में बांट दिए भगवान मोहल्ला में बांट रहा है करेट की करेट अंग्रेजी देसी और एक प्रत्याशी बेते नहीं जितने ठाड़ी हतकाए दली और निर्दली है सवन पे दे लिया आयो और जब वो मर्यो तो बाको छोरा लिख रहा है मेरे पिताजी का बैकुंठ वास है ते पिताजी ने रिजर्वेशन करा लो का है मऊठिया कोई वो चल रही का है तत्काल में टिकट है रही होगी ते पिताजी को स्वर्गवास है गो। अरे भाई तो शर्म लिख रही है नरक जावे में नरक लिखवे में तो ईमानदारी तो झुक ले जो लिख दे कि भैया मे पिताजी मर गए हैं अब मो ना बताओ नरक गए हैं कहे स्वर्ग गए हैं इतनी ईमानदारी तो बरतो। ऐसे ऐसे छोरा लिख रहे हैं अपने बाप के बारे में जा बाप ने पूरा गांव परेशान करके रखे फूट डारे के हैं जाकी लड़ाई बाते जाकी लड़ाई जाते जाकी चुगली बाते बाकी चुगली जाते पूरे गांव में जियो जब तक कहू एकता होने नहीं दी। अब ऐसो मरेगो तो बैकुंठ में जागो मुड़ तो अलाव करो स्वर्ग में है। तो अब बाको छोरा न्यू लिखे कि मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया इन्हें आखे ने में शर्म करे जब ऐसे उस स्वर्ग जान लगे तो फिर नरक में तो अलीगढ़ को तारा लगेगा भाई है तो ऐसे इनको नंबर आ रहा है। तो मेरी प्रार्थना ये है कि कर्म का सिद्धांत तो भुगतना ही पड़ेगा। हम संसार की आंखों में धूल झोंक सकते हैं लेकिन परमात्मा की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। और जो इस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन जीता है उसका जीवन बड़ा साफ सुथरा बड़ा सुख देने वाला बड़ा आनंद देने वाला यहां भी और वहां भी ये सिद्धांत है। इसे कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। जैसे दो और दो और चार ही होते हैं उन्हें कोई दो और दो को पांच नहीं कर सकता छह नहीं कर सकता और तीन भी नहीं कर सकता है। जैसे मिट्टी का डेला फेंको तो नीचे ही आएगा है। ये सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का है इसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे ही कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हम ये समझे कि हमने न्यों करके त्यों करके न्यों करके खट्टो कर लो है जिस दिन नंबर आएगा है उस दिन जो है मिट्टी में मिल जाता है व्यक्ति और उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाती है और जिनके लिए बुरे कर्म किए थे फिर उन्हीं से नफरत होने लगती है क्योंकि जिनके लिए कहते वे भी घास में डालते ही फिर है। जब वाल्मीकि जी महाराज थे ना संतों ने उनसे पूछा कि घरवाले ने जो पूछ गया हो कि तुम जो पाप कर रहे का हो बा पाप में तुम्हारे घरवाले शामिल होंगे या नहीं होंगे तो तुम हमें यहां बांध के चले जाओ ये पूछा बस फिर तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। जब वो घर गयो घरवाले ने कही हम पाप में शामिल क्यों होंगे भाई तुम्हारा काम है हमें करे खवाए हो तुम ब्याह करके लाए हैं तुम्हारे हम पैदा करे हैं चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो तुम्हारा काम है हमें खवाओ हम किसी के पाप में शामिल होने वाले नहीं है। जब लौट करके आया उदासी मुंह से संतों से कहा कि मेरे पाप में मेरे घरवाले शामिल नहीं है तब संतों ने कहा कि जब वो तुम्हारे पाप में शामिल नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए तू अपना समझ करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अरे वाल्मीकि चल राम का नाम जप अपना कल्याण कर ले। उसी दिन से वाल्मीकि परमात्मा के रास्ते में चल गया। तो सीधा नाम तो जपना जानता नहीं था क्योंकि हमेशा थे मारो मारो करता रहा मारो मारो है मारो काटो लेकिन संतों ने कहा तू मारो मारो ही बोल है क्योंकि जब मार 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 बोलेगा तो अपने आप राम राम आ जाएगा। उलटा नाम जपा जग जाना
उलटा नाम जपा जग जाना, उलटा नाम जपा ये शास्त्रों की अपनी एक परिभाषा है, एक अपना तरीका है ऋषि मुनियों के कहने का कि उल्टा नाम जपा। अच्छी बात है, हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, उनकी बात शर्माती है। लेकिन बुद्धिमानों का और जो बहुत ऊंचे संतों का कहना यह है, क्या घनघोर वर्षा हो रही है। एक मैया ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे एक दाल बनानी है, बारिश हो रही है, ऊपर मटका धरिया, पानी भर जागो तो वर्षा के पानी से दाल अच्छी घुल जाती है। वर्षा बंद हो गई, मैया ऊपर बोली, बेटा लिया पानी उठा के जा, मटका लिया। अब देखे तो मटका में एक बूंद पानी नहीं। बोले बेटा तू ऊपर खुले में धर के आयो? बोले हाँ। बोले यहां पानी क्यों नहीं आया? बोले मुझे नहीं पता मैया, मैंने खुले में रखा था, मटका रखा था, कोई बता सकता है उसमें मटके में पानी क्यों नहीं आया? क्योंकि मटका उल्टा रखा था, और जब तक मटका उल्टा है तब तक कितनी वर्षा हो, कई साल तक हो, उसमें एक भी बूंद पानी, बोलो बोलो, आने वाला नहीं है। कब पानी आएगा? उल्टा जिधर जा रहे थे उधर से वाल्मीकि जी उलट गए, उलट गई मोरी नैन पुतरिया, पलट गई मोरी नैन पुतरिया, उलटा नाम जपा। जगत में गए, घर में गए, पूछा, जग समझ में आ गया, जग को जान लिया। जग को जानने के बाद ही तो परमात्मा से अपनापन होगा। जब तक नाती मेरो है, बेटा मेरो है, घरवाई मेरी है, हैं, तब तक परमात्मा मेरा हो ही नहीं सकता है। एक एक शब्द समझ में आ रहा है? उलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, नरकों का वर्णन सुना और नरकों के बुरी बुरी गति सुनी। जो नारी देह का व्यापार करती है ना, अपने पति को छोड़ करके, उनकी आंखों में धूल जोर कर झोंक करके,
उसे एक नरक और बताया गया, अंधतामेश्वर नामक नरक। उसमें पीतल के पुरुष बनाए जाते हैं, उन्हें गर्म किया जाता है, उस उन पुरुषों से उस नारी को चुपकाया जाता है नग्न करके बार 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 बार, लेकिन वो मरती नहीं है। उसे ऐसा शरीर दिया जाता है कि कर्म का फल तो भोग है लेकिन मरे न। जब ऐसा भयंकर कर्म का फल भोगने के बारे में सुना तो परीक्षित जी घबरा गए, बोले जिनते बचवे को कोई उपाय है, माने कि चलो कोई गलती तो है गई लेकिन अब बचे कैसे। बोले तीन उपाय हैं, तीनों में तीनों कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीनों न कर पाओ तो तीनों में से एक भी कर लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। बोले कौन कौन से उपाय हैं? पहला उपाय, गुरु के द्वारा मंत्र लेकर के उस मंत्र में श्रद्धा विश्वास के साथ उसका जाप करें तो पापों को काट देता है, उस बुरे कर्मों को काट देता है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहला रास्ता उपाय। दूसरा उपाय है भगवान की कथा का श्रवण, यह भी पापों से मुक्त कर देता है यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण किया जाए तो। बोले तीसरा उपाय है कि संसार के संबंधों का त्याग करके केवल किसी महापुरुष की सेवा में लग जाए, दोष दृष्टि रहित हो करके। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जह काम तृष्णाम। धर्मम सतत्व धर्मम भजस्व सततम, लौकिक धर्मों का त्याग करके केवल पारलौकिक धर्म का पालन करे। सततम यानी पारलौकिक, सततम धर्म धर्मम यानी परमम धर्मम, और महापुरुष की सेवा में लग जाए, जैसे वो चलावे वैसे ही चले तो भी इन पापों से मुक्ति मिल सकती है, वो महापुरुष छुड़ा सकता है। अब तीनों कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और तीनों न कर पावे तो कोई एक कर ले।